पत्नी की बहन से बनाना चाहता था संबंध, साथ नहीं भेजा तो रास्ते में कर दी बेरहमी से पत्नी की मारपीट। शिवपुरी जिले के इंदार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गागोनी चक के रास्ते में एक पति ने अपनी पत्नी के रास्ते में बेरहमी से मारपीट कर दी। वहीं पति अपनी पत्नी की छोटी बहन से संबंध बनाना चाहता था और उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। इस चीज का विरोध जब परिवार वालों ने किया और मना कर दिया तो रास्ते में पत्नी की बेरहमी से मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार पूजा जाटव पत्नी हल्के जाटव मृत साल निवासी गागोनी चक थाना इंदार अपने भाई के शादी में शामिल होने आई हुई थी। अपने पति के साथ मायके भासौर थाना बदरवास आई हुई थी। तभी शादी के बाद जैसे ही महिला परिजनों ने महिला और उसके पति की विदाई की तो रास्ते में पत्नी की पति ने बेरहमी से मारपीट कर दी। जब महिला ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी और इसके और उसके यहाँ एक 8 साल का लड़का है और एक 6 साल का लड़का है। वहीं लगातार बीच में मारपीट और प्रताड़ित पति द्वारा किया जाता है। वहीं बार बार कहा जाता है कि छोटी बहन को भी साथ में लेकर आ। वहीं जब भाई की शादी हुई तो पति ने पहले ही कह दिया था कि छोटी बहन को मेरे साथ कर देना। जब शादी की विदाई की गई तो छोटी बहन को जब परिजनों ने उसके साथ नहीं भेजा तो रास्ते में पत्नी को रोक कर बेरहमी से मारपीट कर दी। महिला का पति इंदौर में हॉस्टल में खाना बनाने का काम करता है। 30 मई की महिला की भाई की शादी थी जिसमें महिला पूरा परिवार आया हुआ था। घायल महिला को जिला अस्पताल में सास ससुर और पति ने भर्ती कराया जहां घायल महिला का उपचार जारी है। महिला ने बताया कि इससे पहले थोड़ी मारपीट करता था लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही कर दी। आपका पप्पू आप पूजा के कौन हैं? ताऊ। तो ये क्यों मारा पीटी की है और क्या पुलिस में इसकी शिकायत की गई है? पुलिस ने कोई सुनवाई की है या नहीं की है? कोई नहीं की, शिकायत नहीं की अभी। शिकायत कहाँ करेंगे साहब, भिंडारे हैं। अच्छा, आप करने गए हैं पुलिस को शिकायत की है कुछ? गन दंगाई थी तरह का थाने में साहब, कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्यों इस तरह की मारपीट लगातार करता है? बता रहे कई बार मारता पीटता है। सब हमने पता कर दी थी, हमने शादी है थी। अब शादी करके हमने पता कर चुके तो अब ये घरे जाइयो। अब ये घरे निकले आए तो अब रास्ता में मार रहे हैं, कछु करें हम तो देखे बैठे हैं साथ। कारण क्या रहा था? कारण जी रहा साहब, कही जब मोड़ी एक छोटी और है हमारे बच्चे या बहन, तो मतलब जाए और करो ये साथ में, हम जाके साथ में तेरे में नहीं कर पाऊंगे। तो एक दे दी दूसरी कहाँ से तंग। किससे बात की थी उसने ये बात? हमसे भी कही, बच्चे आपसे भी कही? हाँ, हमसे भी कही थी। आ रहा हो तो तेरे और एक जन आगे भी कही। अच्छा, क्या पूजा की शादी मेरे साथ करो? हाँ, पूजा की जो बहने और मेरे संग करो। अच्छा, पूजा की उम्र कितनी होगी? 30 साल। छोटी वाली बहन की? छोटी बहन की। रक्षा नाम है। हाँ, क्या नाम है उसकी? बाकी 19 साल की है। कब का जानो? 18 की है। 18-19 की है। 18-19 की। हाँ, ठीक है। इसके झूठ बोल जाए बच्ची आंगन देखोगे तो झूठ बोलेंगे। तो बच्ची से कोई गलत बातचीत करता था कहीं? गलत मतलब बच्ची भी तो नहीं करे, मतलब वो करता था क्या? बस करता है, हम नहीं करें। क्या किस तरह की बात करता था बच्ची से और कैसे करता था? क्या कहता है मेरे साथ? बच्ची से बोलता? हाँ, बच्ची से बोलता ना। कैसे? फोन पे या फिर सामने? फोन पे ही बोलता और सामने भी। हाँ, तो बच्ची ने इस बात का आपको बताया? मुँह से बात मत करना बस, जकेता ही बच्ची। क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ रहती हो? गाँव निचक ससुराल है। और माय का भासौर है। क्या करने क्रम हुआ है आपके साथ? कुछ नहीं हुआ, वहाँ से लाया मेरे को बोलता कि तेरी भौजाई से बात मत कर, किसी से मत बोलो, खुद ही गया बारात है। तो मैंने बोला कि तुम कहाँ गए बारात है? तो बोलते तू मत बोलना, मेरे भाई की कसम खवा रही। मैंने जब मैं कसम खा गई तो बोलता रास्ते में आकर तू के कसम खा गई तो आप कसम खा। तो मैंने बोला मेरे भैया की कसम खाऊं, मैं नहीं बोली मेरी भौजाई से। तो इतने बिल्ट नकार के देने भिड़ गया। फिर तो उसने मेरे को कपड़े निकाल के और खाई में डाल के और लगे पत्थर। व्यवहार होते अचानक ये कभी कभी ऐसे पी के आ रखे और मारने लगता है, बच्चे को भी मारता है दोनों को। कितने साल हो गई शादी में? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। बच्ची कितनी है आपकी? बच्चा 1 8 साल का है, 1 6-7 साल का है। 6-7 साल का। जब से कभी कभी मारता वाले इतनी कर रही नहीं, मारी थी इतनी कर रही, अभी मार रही। अभी बच्चे भी साथ में थे? बच्चे साथ में थे, दोनों से पत्थर मंगा के मारे। और बच्चे बोलते कि मम्मी को मत मार, मैं बेहोश, मैं बेहोश हो गई। तो फिर पता नहीं काय से लाए काय से नहीं लाए। मेरी वहाँ से विदा करी तो मेरे सास ससुर ना इसका मेरा पति तीनों लाए मेरे को। पति ने भर्ती कराया?
आप बता रही थी आपकी बहन वगैरह का क्या मैटर है? बहन वगैरह का ऐसे बोलता था कि तेरी बहन से मेरी बात कर, आजा बड़स्ती करवा। तो मैंने बोला कि मैं क्यों करवाऊँ, तो मेरी बहन से बोलता था तो मेरी बहन नहीं करना चाहती। मैं बोलती मेरी बहन के तेरे मेरी बहन ही कदाई, तो मैं काहे के लिए तेरे से बोलूँ। बहन की उम्र कितनी है? मेरी बहन हल्की है, वो तो छोटी है अभी। उम्र तो कितनी होगी? 10-12-15 साल। मतलब किस तरह की बात कराने की बात करता था? गलत बात सबसे कर रहा है, मतलब ऐसी कभी कभी बोलने लगता है। मैं बोलती हूँ कि मेरे को दवा आता है, मानने लगता है, तो मैं बोल देती हूँ हाँ ऐसा वैसा। फिर आपने इसका, आप बता रहे थे इंदौर में भी काम करते हो, आप कब से करते हो? इंदौर में शादी हो जाती, जब से ले जाता है, घर ले आता है। तो फिर वहाँ पे क्या बोला था इंदौर में? कुछ नहीं बोला कि तेरी भाई की शादी को ले चल रहा हूँ। शादी को ले आया और बढ़िया बराते गया, खुद बरात से लौट के आया तो बोलते मेरी मम्मी पापा से विदा कर दो। मेरे मम्मी पापा ने विदा कर दी। एक ही भाई है मेरा, ये हम दो बहन है। इससे पहले आपको जब 45 करता था तो आपने शिकायत वगैरह अपनी माई की या थाने में की थी?